नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपूत और स्वागत है आपके अपने चैनल विपुल एजुकेशन में। दोस्तों, कक्षा 12 की इतिहास की बुक से हम जो है पार्ट नंबर 2 पढ़ रहे थे, इसका पार्ट नंबर 2 लेके आया हूँ। आज जो है हम इसमें अशोक का धम्म और मौर्य प्रशासन पढ़ेंगे। अशोक का धम्म और मौर्य प्रशासन जो है हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। और आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी प्रेस करें, वीडियो करें लाइक शेयर और कमेंट। तो देखिए, अशोक का धम्म क्या था। धम्म के प्रमुख सिद्धांत, पहला है सहिष्णुता। जन सामान्य के मध्य आत्म सहिष्णुता, विभिन्न विचारों धर्मों एवं आस्थाओं के मध्य सहिष्णुता। यानी सहिष्णुता क्या होती है दोस्तों? सहिष्णुता का मतलब होता है सभी धर्मों को समान भाव करना और सबके प्रति सहिष्णु रहना, यानी सबका आदर भाव करना, सबके प्रति जो है सहिष्णु रहना। सहिष्णु का मतलब है सब धर्मों का समान रूप से सम्मान करना। अहिंसा, सभी प्राणियों के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। दूसरा इसका सिद्धांत है अहिंसा, यानी सभी प्राणी, कितने भी प्राणी हैं, उन सब के प्रति अहिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित किया। यानी किसी भी जीव मात्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, किसी भी मानव मात्र की हत्या नहीं होनी चाहिए, सबके प्रति अहिंसा का भाव रखो, यानी अहिंसा। अहिंसा नहीं, ए का मतलब नहीं, हिंसा मतलब हिंसा, नहीं हो हिंसा, उसे कहते हैं अहिंसा। आडंबरहीनता, धर्म अनुष्ठान तथा बलि बलि चढ़ाने को अर्थहीन का, यानी आडंबरहीनता, जो आडंबर किए जाते थे जो धार्मिक अनुष्ठान है और उन पर जो बलि चढ़ाई है उसको अर्थहीन बताया, यानी ये बिल्कुल बेकार बात है, इसको नहीं करना चाहिए। लोक कल्याण, वृक्षारोपण, कुएं एवं सराय आदि के निर्माण, यानी इसके अंदर का क्या कहा गया, इसके अंदर कहा गया कि लोक कल्याण के लिए पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, कुएं बनाए जाए, सराय यानी धर्मशालाएं आदि जो है लोक कल्याण, जिनसे लोगों का कल्याण हो वह करिए किए जाए। अगला था श्रेष्ठ पवित्र नैतिकता, श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण सदाचार व सत्यवादी पर बल दिया। यानी उसने कहा, धर्म के सिद्धांत में कहा गया कि श्रेष्ठ नैतिक पवित्र आचरण और सदाचार और सत्य बोलने पर बल दिया गया। विभिन्न जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने और अपनी प्रजा तथा अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे अभिलेखों में धमका गया। यानी क्या कहा गया कि अलग अलग जातियों और संस्कृतियों को एक सूत्र में बांधने और अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचारों की संहिता यानी एक नियमावली तैयार की उसे ही अभिलेखों में क्या कहा गया, धम्म कहा गया। धम्म के सिद्धांत हर धार्मिक संप्रदाय से संबंध रखने वाले लोगों के लिए स्वीकार्य थे, यानी चाहे वो किसी भी धर्म का हो सबके लिए क्या थे, स्वीकार्य थे। अशोक के अभिलेख में उस व्यापक नीति अर्थात धम्म का उल्लेख किया गया जो सामान्य व्यवहार को नए ढांचे में डालने के लिए आवश्यक थे। यानी ये जो अशोक के अभिलेख है उसमें उस धम्म का वर्णन किया गया है जो सामान्य व्यवहार को नए ढांचे में डालने के लिए आवश्यक थी। धम्म के बुनियादी सिद्धांतों में अशोक ने सर्वाधिक बल दिया सहिष्णुता पर, यानी अशोक के जो धम्म सिद्धांत है इनमें सबसे ज़्यादा बल दिया गया किस पर, सहिष्णुता पर, यानी सहिष्णु, व्यक्ति को सहिष्णु होना चाहिए। प्रथम स्वयं व्यक्ति की सहिष्णुता, द्वितीय विभिन्न विचारों विश्वासों धर्मों एवं भाषाओं में सहिष्णुता, इसे अशोक ने 7वें 11वें व 12वें शिलालेख व दूसरे लघु शिलालेख में उल्लेखित किया। यानी सहिष्णुता के प्रति कहा गया कि सबसे पहले तो व्यक्ति में खुद में सहिष्णुता होनी चाहिए, सहिष्णु होना चाहिए, उसके बाद उसके विचारों विश्वास और धर्म और भाषा में सहिष्णुता होनी। इसका जो वर्णन है वो आपको अशोक के 7वें 11वें 12वें शिलालेख से और दूसरे लघु शिलालेख से मिलता है, जिसमें माता पिता की सेवा, गुरुओं का आदर, दासों के साथ उचित व्यवहार, धर्मसार की वृद्धि, वाक संयम तथा समावे पर बल दिया गया। यानी इसमें क्या वर्णन किया गया है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरुजनों का आदर करना चाहिए, दास जो भी नौकर जाकर उनके साथ भी उचित विचार करना चाहिए, धर्मसार की वृद्धि करनी चाहिए, वाक संयम यानी वाणी पर संयम रखना चाहिए और समवाय यानी समानता पर बल दिया। धम्म का दूसरा बुनियादी सिद्धांत अहिंसा था, जिसका तात्पर्य युद्ध व हिंसा द्वारा विजय प्राप्ति का त्याग, जीव हत्या का विरोध था, जो प्रथम व 11वें शिलालेख 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। यानी दूसरा जो इसका सिद्धांत है अहिंसा, उसका अर्थ है कि किसी के द्वारा युद्ध व हिंसा का पूर्णतः त्याग करना, जीव हत्या का विरोध करना था। इसका जो वर्णन है वो आपको अशोक के 1ले और 11वें शिलालेख और 5वें स्तंभ लेख में मिलता है। अगला है जन कल्याणकारी धारणा।
धर्म नीति में ऐसे कार्य भी शामिल थे जो आम नागरिकों के कल्याण से संबंधित थे, यानी ऐसे भी बहुत सारे कार्य थे जो आम लोगों के कल्याण से संबंधित थे, जो सातवें स्तंभ लेख और दूसरे शिलालेख में लिखते हैं। अगर जन कल्याणकारी की भावना कही तो कहाँ लिखी था, सातवें स्तंभ लेख और दूसरे शिलालेख में, जिसमें वृक्षारोपण, सराय, सड़कें, सिंचाई, कुओं के निर्माण आदि की व्यवस्था थी। यानी इसके अंदर वर्णन क्या किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, सराय यानी धर्मसराय बनाए जाए, सड़कें बनाई जाए, सिंचाई के साधन, कुएं आदि का निर्माण किया जाए। अशोक ने नवीं शिलालेख में अंधविश्वास के फलस्वरूप जो नृत्य अनुष्ठान और यज्ञ होते थे ऐसे बाह्य आडम्बरों की निंदा की। यानी अशोक ने जो जो नवा शिलालेख है उसमें जो बाह्य आडम्बर जो अंधविश्वास होते थे या जो अनुष्ठान जो नृत्य अनुष्ठान यज्ञ होते थे उनकी निंदा की है। प्रथम स्तंभ लेख में धर्म की प्राप्ति के लिए धर्म यात्रा, धर्म मंगल, धर्मदान, शुश्रूषा आदि की व्यवस्था की है। यानी प्रथम जो स्तंभ लेख है उसमें धर्म की प्राप्ति लिखा क्या होता है, धर्म की यात्राएं करनी चाहिए, धर्म का मंगल करना चाहिए, धर्म के लिए दान करना चाहिए और धर्म की शुश्रूषा का अर्थ होता है सेवा करनी चाहिए। अशोक दूसरे स्तंभ लेख में धर्म की परिभाषा बताते कहते हैं कि अपाशीनवे बहुकायाते दाया दाने सच्चे सोच्या माधवे साध्वे चे, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को पाप से दूर रहे, कल्याणकारी कार्य करे, दान दया दान सत्य पवित्रता व मृदुता का अवालंबन करे। यानी इसमें कहा गया कि प्रत्येक व्यक्ति को पाप से दूर रहना चाहिए, कल्याणकारी कार्य करना चाहिए, दया करनी चाहिए, दान देना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए और मीठा बोलने का अनुसरण करना चाहिए। तीसरे स्तंभ लेख में वह प्रचंडता, निष्ठुरता, क्रोध, घमंड एवं ईर्ष्या आदि की निषेध करे। इसके लिए व्यक्ति आत्मनिष्ठ अर्थात निंजंती करो करे एवं सब के साथ श्रेष्ठ कार्य करें। यानी उसका तीसरे स्तंभ लेख में कहा गया है कि वह जो प्रचंडता है, निष्ठुरता है, क्रोध है, घमंड इन सब का निषेध करता है और व्यक्ति के आत्मनिरीक्षण की बातें कहता है। धर्म को पलीट ने राजधर्म, राधा कुमुद मुखर्जी ने सर्वभौम धर्म और भंडारकर ने उपासक बौद्ध धर्म कहा। यानी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है। धर्म को जो पलीट ने जो राजधर्म कहा, राधा कुमुद मुखर्जी ने कहा कि सर्वभौम धर्म है और भंडारकर ने कहा कि ये बौद्ध धर्म है। यद्यपि अशोक का व्यक्तिगत धर्म बौद्ध था, महावंश व दीपवंश के अनुसार अशोक ने मोगली पुत्र तिश की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति बुलाई और मोगली पुत्र तिश की सहायता से संघ में एकता और अनुशासन लाने का प्रयास किया। इससे उसके बौद्ध होने की पुष्टि होती है। यानी उसका जो व्यक्तिगत धर्म था वो क्या था, बौद्ध धर्म था। महावंश और दीपवंश जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है उनके अनुसार मिलता है कि अशोक ने जो है मोगली पुत्र तिश की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगति बुलाई थी। तथापि धम्म में सर्व मान्य आचार तत्वों और नैतिक नियमों का समन्वय था। धम्म अत्यंत सरल, सुबोध पवित्र और नैतिक व्यवहारिक था। यानी जो तो धम्म है इसके अंदर जो बहुत सरल, सुबोध पवित्र और नैतिक व्यवहारिक था, इसके अंदर आचार सर्वमान्य आचार तत्वों नैतिक नियमों का समन्वय था। इसके आगे देखो, उसका धम्म सर्व मंगलकारी था जिसका उद्देश्य प्रमाणिक प्राणी मात्र का उद्धार करना था। यानी जो अशोक का धम्म है इसका उद्देश्य सब है जो प्राणी मात्र का कल्याण करना था। अब देखो धम्म नीति के क्रियान्वयन थी, अशोक ने धम्म के प्रतिपादन हेतु व्यवहारिक उपाय किए। यानी उसने कुछ व्यवहारिक उपाय किए। इस हेतु अशोक ने न केवल युद्ध नीति का परित्याग किया अपितु आम जन के दुख दर्द एवं उनकी आवश्यकताओं को भी समझा। यानी उसने युद्ध का त्याग किया, जो उसके आमजन थे उनके दुख दर्दों को भी समझा। उसने नौकर शाहों को तत्काल न्याय देने तथा लोकहित के कार्य हेतु प्रबंध किया। यानी जितने भी उसके कर्मचारी थे उन सबको तत्काल न्याय देने और लोगों के हित में कार्य करने के लिए पाबंद कर दिया। अशोक ने सार्वजनिक हित के कार्य किए यथा परिवहन, सिंचाई, कुएं, सराय आदि निर्माण किए। यानी लोगों के हित के कार्य किए, परिवहन की व्यवस्था की गई, सिंचाई की व्यवस्था की गई, कुओं की व्यवस्था की गई, सराय बनाए गए। इन समस्त सार्वजनिक हित के कार्यों का उद्देश्य धम्म को स्वीकार कराना था। यानी इनका सबका उद्देश्य क्या था कि अशोक को अपना धम्म स्वीकार करवाना था। अशोक ने धम्म के उपदेशों को पाषाणों पर उत्कीर्ण कराया तथा ऐसी जगह पर लगाया जहाँ पर आमजन पढ़ सके और इस तरह अशोक ने धम्म को सार्वजनिक और सार्वभौम बना दिया। यानी उसने अपने जो धम्म के उपदेश है वह पाषाणों पर बनवा उत्कीर्ण करवाए यानी खुदवाए और ऐसी जगह पर लगाए जहाँ पर आम जनता उसे पढ़ सके। और अशोक ने इस प्रकार अपने धर्म को सार्वजनिक और सार्वभौमिक बना दिया। हिंसा पर प्रतिबंध लगाया, पशु बलि को निषेध किया गया, समान नागरिक आचार संहिता और दंड संहिता के सिद्धांत को जन्म दिया और क्रियान्वित भी किया। जगह जगह धम्म आयोग भेजे, विदेशों में भी धम्म का प्रचार प्रसार किया, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की और उसके दायित्वों का प्रतिपादन किया। अब देखो धम्म की नीति का मूल्यांकन,
यद्यपि धर्म के मूल सिद्धांत सहिष्णुता अहिंसा व सदाचार थे, जो कि भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से ही मूल तत्व रहे, वर्तमान में भी उनका महत्व यथावत है। यानी ये जो धर्म के सिद्धांत है सहिष्णुता अहिंसा व सदाचार, ये भारतीय संस्कृति के प्रारंभ से ही तत्व रहे हैं जो आज भी यथावत है। अशोक के बाद सभी शासकों ने इन सिद्धांतों को स्वीकार किया, तथापि समग्र रूप से यह नीति अशोक के पश्चात फलीभूत नहीं, उसकी इसके अनेक कारण थे। यानी अशोक की बात जितनी भी राजा उन्होंने इसको स्वीकार तो किया, लेकिन वो इसका प्रचार प्रसार उतनी अच्छे तरह से नहीं कर पाए। धर्म की नीतियों का अशोक के उत्तराधिकारी उसी रूप में क्रियान्वित नहीं कर पाए, यानी जैसे अशोक तथा उस रूप में हुए इसका क्रियान्वयन नहीं कर पाए। धर्म दुर्बल शासकों, राजनीतिक अनिश्चितता व सीमाओं की असुरक्षा के कारण फलीभूत नहीं हो उसका, क्योंकि धर्म की नीतियों का क्रियान्वयन शांति काल में संभव है जब राष्ट्र आंतरिक एवं बाह्य रूप से युद्धों से पूर्णतः मुक्त हो। यानी ये जो धर्म है इसकी, यानी एक दुर्बल शासक हुए थे अशोक की बात जितने भी, और राजनीति अनिश्चितता, यानी कोई शासन परमानेंट टिक नहीं पाया, और सीमाओं की जो सुरक्षा है वो भी फलीभूत नहीं उसकी, और धर्म की क्रियान्वयन के लिए शांति काल चाहिए और जिससे में राष्ट्र जो है आंतरिक और बाह्य युद्धों से मुक्त हो। परवर्ती शासक अशोक की दूरदर्शिता को नहीं समझ पाए और धर्म महामात्र अपने असीमित अधिकारियों द्वारा जनता के कार्यों में अवांछनीय हस्तक्षेप करने लगे। जो धर्म महामात्र थे वो क्या करने लगे, वो अपने असीमित यानी उनको अधिकार जो है वो सीमित नहीं थे, असीमित थे, और जनता के कार्यों में बिना चाहे हस्तक्षेप करने लगे। सामाजिक तनाव ज्यों के त्यों बने रहे और सांप्रदायिक संघर्ष चलते रहे, क्योंकि समस्याएं व्यवस्थाओं की जड़ों में नहीं थी। यानी जो जिस प्रकार का धर्म अशोक चाहता था वो नहीं हुआ, सामाजिक तनाव बढ़ गए, सांप्रदायिक संघर्ष भी बढ़ गए। उपयुक्त कारणों से धर्म की नीति फलीभूत नहीं हो सकी, तथापि अशोक सराहना का पात्र है कि उसने एक पथ प्रदर्शक सिद्धांत की आवश्यकता धर्म की जगह प्रतिपादन किया जो वर्तमान में भी प्रासंगिक। यानी अशोक की सराहना की जाए कि उसने एक ऐसा सिद्धांत बनाया जो सबके लिए आज भी जो है मान्य सिद्धांत था। देखिए मौर्य प्रशासन, मौर्य साम्राज्य की प्रशासन की जो विस्तृत जानकारी है वह इंडिका, अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों एवं तात्कालिक अभिलेखों से प्राप्त होती है। यानी अगर आप मौर्य साम्राज्य की जानकारी प्राप्त करना चाहो तो इंडिका पुस्तक है, अर्थशास्त्र है, और उस समय के जो तात्कालिक अभिलेख हैं उनसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मौर्य प्रशासन के अंतर्गत भारत में प्रथम बार राजनीतिक एकता देखने को मिली और सत्ता का केंद्रीकरण हुआ। यानी मौर्य साम्राज्य एक ऐसा साम्राज्य है जहाँ पर राजनीतिक एकता और सत्ता का केंद्रीकरण प्रथम बार हुआ था। साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति से पूर्व उनकी योग्यता एवं चरित्र को प्रखा जिसे उपाधा परीक्षण करते थे। यानी जितने भी साम्राज्य में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते उनकी पहले एक आपके टाइम के आज के समय कहे तो एक एग्जाम होता था जिनमें उनकी योग्यता और चरित्र को प्रखा जाता था, उस एग्जाम का नाम था उपाधा परीक्षण। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन का नजर निम्नलिखित था। सबसे पहले केंद्रीय प्रशासन, राजा शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु था, महत्वपूर्ण एवं नीति संबंधी निर्णय राजा स्वयं लेते थे। यानी केंद्रीय जो प्रशासन है उसका मुख्य जो मेन अधिकारी था वो राजा था, क्योंकि शासन प्रणाली का केंद्र बिंदु राजा था, सभी महत्वपूर्ण निर्णय और नीति संबंधी जो निर्णय है वो राजा करता था। व्यवस्थापिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की समझ शक्ति उसी में नहीं थी। ये मान लो कि राजा जो है वो एक प्रकार से सर्वे सर्वा होता था, यानी उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता था, सारे निर्णय उसके से लिए जाते थे। मंत्रिपरिषद, राजा को परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद थी जिसकी नियुक्ति वंश व योग्यता के आधार पर राजा करता था। यानी इस जो मंत्रिपरिषद है इसकी नियुक्ति राजा करता था वंश और योग्यता के आधार पर। अंतिम निर्णय का अधिकार राजा करता था, यानी मंत्रिपरिषद कोई भी निर्णय ले ले, प्रमुख जो निर्णय करता था वो राजा था। एक आंतरिक परिषद होती थी जिसे मंत्रीण कहा जाता था, इसके तीन या चार सदस्य होते थे। महत्वपूर्ण विषयों पर राजा मंत्रियों से परामर्श करता था। यानी एक और आंतरिक परिषद थी जिसे मंत्रीण कहा जाता था, जिसमें तीन या चार सदस्य होते थे। अगर कोई महत्वपूर्ण विषय हो तो राजा इन मंत्रियों से परामर्श करता था। अधिकारी, सशस्त्र राज अधिकारी जो संख्या में 18 थे, यानी इसमें 18 प्रकार के राज अधिकारियों का वर्णन है। इन्हें तीर्थ कहा जाता था, यानी इन्हें राज अधिकारियों क्या कहा जाता था, तीर्थ। वे केंद्रीय विभागों का कार्यभार देखते थे जिसमें कोषाध्यक्ष, कारमांतिक, समाहर्ता, पुरोहित एवं सेनापति प्रमुख थे। यानी ये जो मुख्य मुख्य अधिकारी है जैसे कोषाध्यक्ष है, कारमांतिक है, समाहर्ता है, पुरोहित है, सेनापति, ये प्रमुख केंद्रीय अधिकारी होते थे। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्र में 27 अध्यक्षों का उल्लेख मिलता है जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का नियमन करते थे। यानी जो अर्थशास्त्र है कोटि लेगा उसमें 27 अन्य अध्यक्षों का वर्णन मिलता है जो राज्य की आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते थे। वे कृषि, व्यापार, वाणिज्य, बाट, माप, कताई,
बुनाई खान वन आदि का नियमन व नियंत्रण करते थे। यानी जो अन्य जो अधिकारी थे जैसे कृषि अधिकारी होता था, कृषि अध्यक्ष होता था, व्यापार अध्यक्ष, वाणिज्य अध्यक्ष, बाट माप अध्यक्ष, कताई बुनाई अध्यक्ष, खान अध्यक्ष, वन अध्यक्ष, ये इन सब का कार्य, इन अध्यक्षों का कार्य था इन क्षेत्रों में अपना अपना कार्य देखना। नगर प्रबंध, नगर प्रबंध हेतु पाँच पाँच सदस्यों की छः समितियाँ होती थी जो विभिन्न कार्यों, उद्योगों एवं शिल्प, विदेशी जनगणनाओं, वाणिज्य व्यापार और निर्मित वस्तुओं की देखभाल, बिक्री कर आदि के नियमन, विपणन एवं रख रखाव का कार्य करते थे। यानी जो नगर प्रबंध के लिए पाँच पाँच सदस्यों की छः समितियाँ बनाई गई थी। यानी लगभग आप ये मान लो कि 30 समितियाँ मान लो कि भी 5 × 6 30 समितियाँ बनाई गई थी, पाँच पाँच सदस्यों की छः समितियाँ बनाई गई थी। यानी हर समिति में 5 सदस्य होते थे, ठीक है। और ये जो है अलग अलग कार्य होते थे, जैसे उद्योग है, शिल्प है, विदेशियों की जनगणना करनी है, वाणिज्य व्यापार, इन सब की देखभाल का कार्य करते थे। अर्थशासन के अनुसार नागरिक नगर प्रशासन का अध्यक्ष गोप तथा स्थानिक उसके सहायार्थ कर्मचारी थे। यानी इसके अंदर अर्थशास्त्र के अंदर एक नागरिक है जो नगर प्रशासन का मुख्य होता था, जो गोप और स्थानिक थे उसके सहायता हेतु कर्मचारी थे। सेना, सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। सेना की 6 संख्याएं थी, यानी सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति, और सेना की संख्या कितनी, 6, जिसमें से पैदल 1, अश्व 2, हाथी 3, रथ 4, यातायात 5 और नौसेना 6। यानी 6 प्रकार की सेना थी। कुछ युद्ध, अगर युद्ध की स्थिति माने तो कुछ पैदल सैनिक थे, कुछ घोड़ों पर चलने वाले सैनिक थे, फिर हाथी पर चलने वाले सैनिक थे, फिर रथों पर चलने वाले सैनिक थे, यातायात, अलग अलग यातायात के माध्यम से सैनिक चलते थे, और नौसेना में भी सैनिक थे। पांच पांच सदस्यों की समिति इसकी देखरेख करती थी, जबकि कौटिल्य अर्थशास्त्र में चतुरंग बल सेना को मुख्य अंग थे। यानी 4 प्रकार के जो चतुरंग, चारों प्रकार के बल जो है सेना के मुख्य अंग बताए गए हैं। नायक युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। यानी एक अधिकारी का वर्णन है जिसका नाम है नायक, जो युद्ध सेना में सैन्य का नेतृत्व करता था। गुप्तचर व्यवस्था, प्रशासन तंत्र के साथ साथ गुप्तचर्या का भी विस्तृत जाल बिछाया गया था, जो मंत्रियों से लेकर आम जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। गुप्तचरों को संस्था एवं संचार नाम से पुकारा जाता था। यानी गुप्तचर जो है वो प्रशासन तंत्र के साथ साथ अन्य लोगों और मंत्रियों की जनता की गतिविधियों पर नजर रखते थे। इनको कहा गया संस्था और संचार। गुप्तचरों जो मौर्य काल में जो गुप्तचर है उनके नाम है या तो संस्था एवं संचार, आपको ध्यान में रखना है। कहीं किसी नजर की गुप्त जो है सॉरी मौर्य काल में जो गुप्तचर हैं उनको किस नाम से जाना जाता था, संस्था और संचार के नाम से। न्याय, धर्म, व्यवहार, चरित्र एवं राज शासन न्याय संहिता के स्रोत थे। यानी राज जो न्याय थे उसके क्या स्रोत थे, एक तो धर्म, एक व्यवहार, एक चरित्र, ये सब जो है राज्य शासन न्याय संहिता के स्रोत थे। धर्म स्थायी व कंटक शोधक न्यायालय क्रमशः दीवानी एवं फौजदारी मामले सुलझाते थे। यानी इसके अंदर आप देखो धर्म स्थायी एवं कंटक शोधक न्यायालय, धर्म स्थायी जो है वो तो था आपके दीवानी न्यायालयों का, और कंटक शोधक न्यायालय था वो था फौजदारी का। न्यायपीठ पद्धति विद्यमान थी, जो राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। यानी यहाँ पर न्यायाधीश सर्वोच्च जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जैसा होता है, वैसे ही इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन था, राजा। राजुक व्यवहारिक आदि न्यायिक अधिकारी थे। यानी राजुक और व्यवहारिक जो है वो क्या थे, न्यायिक अधिकारी थे। कौन, राजुक और व्यवहारिक, ये दो न्याय अधिकारी थे। संग्रहण और द्रोणमुख स्थानीय एवं जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। दंड व्यवस्था अत्यंत कठोर थी। यानी संग्रहण और द्रोणमुख जो है वो स्थानीय स्तर के न्यायालय थे, जैसे आपने सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट होता है वैसे, और दंड व्यवस्था बहुत कठोर थी। राजस्व प्रशासन समर्था राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी था। यानी एक क्वेश्चन आ जाए कि मौर्य प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी क्या था, तो उसका नाम था समर्था। दुर्ग, राष्ट्र, वज्र, सेतु, वन, खाने, आयात निर्यात आदि राजस्व के मुख्य स्रोत थे। यानी राजस्व के मुख्य क्या स्रोत थे, दुर्ग थे, राष्ट्र था, वज्र था, सेतु था, वन, खाने, आयात निर्यात, ये सारे राजस्व के स्रोत थे। शनि दत्ता राजकीय कोष का मुख्य अधिकारी था, और राजकीय कोष के मुख्य अधिकारी क्या कहते थे, सन्नीदाता, और राजस्व अधिकारी को समाहर्ता। जन उपयोगी कार्य, मौर्य साम्राज्य में जन उपयोगी सेवाओं में सिंचाई, सड़क, सराय, चिकित्सा आदि को महत्व दिया गया, जिनकी व्यवस्था प्रशासनिक अधिकारी करते थे। अब प्रांतीय प्रशासन, साम्राज्य 4 प्रांतों में विभाजित था। यानी साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था, 4 प्रांतों में, जिसका प्रशासक कौन होता था, राजकुमार। यानी प्रांतों का जो प्रशासक था उसको राजा का जो पुत्र था राजकुमार वो होता था।
जो मंत्रिपरिषद एवं अमात्यों के माध्यम से शासन संचालित करता था, यानी जो मंत्रिपरिषद और जो अमात्य होते थे उनके माध्यम से शासन संचालित करता था। चार प्रमुख प्रांत थे, उत्तरापथ, दक्षिणीपथ, अवंतीपथ, मध्य प्रांत। यानी मौर्य प्रशासन में चार प्रांत थे, उत्तरापथ है, दक्षिणीपथ है, अवंतीपथ है और मध्य प्रांत। धर्म महामात्र और अमात्य प्रांतीय अधिकारी थे, यानी जो धर्म महामात्र है या अमात्य ये क्या थे, प्रांतीय अधिकारी थे, प्रांतों का देखभाल करने वाले अधिकारी थे, जो धर्म एवं अन्य कार्यों को भी देखते थे। प्रांतों को आहार या विषयों में बांटा गया था, जो विषय पति का दिन थे, यानी प्रांत जो है जैसे अब जिले हैं हमारे, उसमें उनके जिलों को आहार या विषय का देता था जिसका मुख्य था विषय पति। जनपद व ग्रामीण, जनपद स्तर पर प्रदिष्ट, राजुक व युक्त नामक अधिकारी थे, जो भूमि, न्याय व लेख संबंधी दायित्व वाहन करते थे। यानी तीन अधिकारी, प्रादेष्ट जो कि भूमि का कार्य करता था, राजुक जो कि न्याय का कार्य करता था, और युक्त जो कि लेख संबंधी कार्य करता था। ग्रामिक ग्रामीण स्तरीय अधिकारी था, यानी जो ग्रामिक है वो गाँव का मुख्य होता था और वह ग्रामीण स्तरीय अधिकारी होता था। गोप एवं स्थानिक, जनपद एवं गांवों के बीच मध्यस्थ करता था, यानी गोप और स्थानिक जो है वो जनपद यानी जो जनपद है और जो गांव थे उनके बीच की बातचीत का जो अधिकारी थे वो थे गोप और स्थानिक। इस प्रकार मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीयकृत व्यवस्था थी, जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाएँ प्राय नगण्य थी, गुप्तचर सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते थे, नौकरशाही का विस्तृत अधिकार प्राप्त है। यानी ये जो शासन व्यवस्था थी ये केंद्रीयकृत थी, यहाँ पर जनता का कोई मत नहीं था। गुप्तचर जो है सार्वजनिक और व्यक्तिगत मामलों में हस्तक्षेप करते थे और नौकरशाही बहुत ज़्यादा विस्तृत थी। अशोक के प्रशासनिक सुधार, अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशासनिक व्यवस्था का अनुसरण किया, यद्यपि उसने अपने नीति और उद्देश्यों की क्रियान्वयन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण सुधार भी किए। यानी अशोक ने चंद्रगुप्त ने जो नियम बनाए थे उसका पालन तो किया, अपनी तरफ से उसमें कुछ सुधार किया। अशोक ने प्रजा को अपनी संतान बताया और राजा के कर्तव्य के रूप में सर्वलोकहित और पराक्रम को रखा, जिसका उल्लेख चौथे स्तंभ लेख एवं कलिंग पृथक लेख में मिलता है। यानी अशोक ने जो है प्रजा को अपनी संतान बताया और राजा को उसके पिता के समान बताया, इसका जो वर्णन आपको चौथे स्तंभ लेख और कलिंग लेख में मिलता है। रजुक, युक्त एवं प्रादेशिक आदि अधिकारियों की नियुक्ति, यानी उसने नियुक्ति की रजुक की, युक्त की और प्रादेशिक की, जो न्याय, भूमि और लेखा संबंधी थे। 13वें वर्ष में अशोक ने धर्म महामात्र पद का सृजन किया, यानी अशोक ने अपने राज्य के 13वें वर्ष में कौन से पद का सृजन किया, धर्म महामात्र का, जिसका कार्य विभिन्न संप्रदायों में सामंजस्य, अकारण दंडितों के परिवार की सहायता करना था। यानी उसका क्या कार्य था कि विभिन्न जो जितने भी संप्रदाय उनमें सामंजस्य बनाए रखना और अकारण जो दंडित परिवार है उनकी सहायता करना। अशोक ने ऐसी व्यवस्था की जिससे हर समय हर जगह राजा के पास जनता के सुख दुख समस्याओं की खबरें पहुँच सके, यानी उसने ऐसी व्यवस्था की कि राजा के पास जो जनता की समस्याएँ पहुँच सके। इस हेतु अशोक ने प्रतिवेदकों की नियुक्ति की, जिसका उल्लेख छठे शिलालेख में मिलता है। यानी उसने ऐसे अधिकारी नियुक्त किए जो जनता की समस्याएं डायरेक्ट राजा को बताते थे और इनका जो वर्णन है वो छठे शिलालेख में किया गया है। न्यायिक व्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए 26वें वर्ष में रज्जू को न्याय संबंधी मामलों में स्वतंत्र अधिकार दिया गया। यानी न्यायिक व्यवस्था में कुछ सुधार लाने के लिए उसने अपने शासनकाल के 26वें वर्ष में जो रज्जू है उनको न्यायिक संबंध में स्वतंत्र अधिकार दिया, जिसका उल्लेख जो है चौथे स्तंभ लेख में मिलता है। अशोक ने दंड विधान को उदार बनाया, अमानवीय यातनाओं जो है उनको बंद किया, अभिषेक दिवस पर बंदियों को मुक्त किया, यानी उस राज्य अभिषेक था उस दिवस उन्होंने बंदियों को मुक्त किया, जिसका उल्लेख 5वें स्तंभ में मिलता है। मृत्युदंड प्राप्त व्यक्ति को 3 दिन का समय पश्चाताप हेतु दिया, जिसका उल्लेख 4वें स्तंभ में, यानी जो भी मृत्युदंड प्राप्त था उसको 3 दिन पश्चाताप का समय दिया गया और इसका वर्णन है अशोक के 4वें स्तंभ लेख में मिलता है। अहिंसा परक सुधारों में अशोक ने युद्ध नीति का त्याग किया, जहाँ तक संभव जीवों की हिंसा न्याय करने का कह दी और तथा समाजों पर प्रतिबंध भी लगाया। अशोक ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को तो धर्म दिया, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए चिकित्सा, सड़कें, कुएं, वृक्षारोपण आदि पर भी बल दिया। ग्रामीण विकास की प्राथमिकता थी, इसलिए 17 अध्यक्ष, वृद्धभूमिक, महामात्र, नगर व्यवहारिक, अंत महामात्र आदि की नियुक्ति की, क्रमशः स्त्री, पुरुष, संरक्षण, न्याय एवं सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित है। यानी आप देखो इसमें क्रम से कौन है, 17 अध्यक्ष जो है स्त्रियों के जो कार्य थे संरक्षण थे उनसे संबंधित था, वृद्ध भूमि जो पशुओं से मिलता, महामात्र जो है वो न्याय से संबंधित था, नगर व्यवहारिक महामात्र आपके न्याय से संबंधित था, नगर व्यवहारिक नगर और सीमावर्ती संबंधित था, अंत महामात्र भी सीमा से संबंधित था। इन नियुक्तियों के माध्यम से अशोक ने प्रशासन को आम जनता से जोड़ा और धर्म आविष्कार करके राजा, प्रजा एवं नौकरशाही के लिए संविधा तैयार की, जिससे अंत संबंध में प्रकृत ही
और अशोक ने वैदेशिक नीतियों का समय सामयिक बनाया। इस प्रकार अशोक ने पूर्व संतल मौर्य साम्राज्य को अधिक दक्ष और सक्षम बनाया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मौर्य साम्राज्य जो है कंप्लीट हो गया। कल से हम जो है तीसरे पार्ट में गुप्त साम्राज्य को देखेंगे। तो यह था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।